बड़ी खबर आ रही महाराजपुर से, जहां पे छतरपुर जिला कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देशन अनुसार महाराजपुर तहसीलदार सुनील वर्मा द्वारा देर शाम रेत माफियन पे बड़ी कार्रवाई का अंजाम दोगो। मीडिया के द्वारा लगातार खबरन के माध्यम से पुलिस एवं प्रशासन के मिली भगत से अवैध रेत खनन के आरोप लगाए जा रहे थे। जी पे मामले का जिला कलेक्टर ने संज्ञान में लो और तहसीलदार महाराजपुर खां कार्रवाई करवे के आदेश दे। वही के बाद में अवैध रेत खनन परिवहन रोकवे के निर्देश कलेक्टर ने दे हते। जी के बाद तहसीलदार सुनील वर्मा ने एक टीम निरंतर निगरानी पे लगी हती। जैसे ही मुखबिर से सूचना मिली, तत्काल तहसीलदार ने राजस्व अमले खां मौका पे भेजो और जी के बाद में सही ढंग से दलबल के संगे स्वयं मौका पे पहुंचे और रेत माफियन के अरमानन पे पानी फेरत पे तीन ट्रैक्टर ट्राली रेत खनन और परिवहन करत वह जब्त करे गए। उतने में आपको बता दे, पंचनामा तैयार करके कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय भेज दोगे। तहसीलदार द्वारा जानकारी देते वह बताओ है कि मध्य प्रदेश गौड़ खनिज निगम, मध्य प्रदेश नवीन रेत नीति 2020, मध्य प्रदेश उत्खनन परिवहन भंडारण नियम 2006 संशोधित प्रावधान के तहत मामला पंजीकृत करो गो है। संगे संगे मौका पे रेत एवं वाहन के संबंधित दस्तावेज नहीं पाए गए। तीनों ट्रैक्टर बगैर नंबर के मिले हैं और तीनों ट्रैक्टर ट्राली में रेत सहित उन्हें जब्त करो गो है। जी के बाद में थाना महाराजपुर में सपुर्द कर दोगो। तहसीलदार सुनील वर्मा की ई कार्यवाही से रेत माफिया के खेमे में हड़कंप की स्थिति देखवे का मिल रही। कहे की एक तरफ तो रेत माफिया हर समय तहसीलदार पे निगरानी रख के चकमा देत है और संगे संगे अवैध रेत कारोबार करवे में लगे रात। उदिन तहसीलदार सुनील वर्मा के आगे आज रेत माफिया की होशियारी धरी की धरी रह गई। माफिया तहसीलदार का देखत रह गए और उतनी कार्रवाई तहसीलदार के द्वारा करी गई। हालांकि मौका से ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़ के भागवे में सफल हुए, लेकिन प्रशासन को कहबो है तहसीलदार को कि जल्द से जल्द उन्हें भी पकड़ो जाए। वही पूरी कार्रवाई में तहसीलदार महाराजपुर सुनील वर्मा, हल्का पटवारी अभिषेक गोस्वामी, पटवारी महेश रिछारिया, पटवारी शंकर सहित राजस्व की टीम मौका पर मौजूद रही। आज शाम को मुखबिर की सूचना के आधार पर मऊ रोड पर एक मनबहार के निकट सूचना मिली थी कि कुछ ट्रैक्टरों द्वारा रेत का उत्खनन करके परिवहन किया जा रहा है। उसके संबंध में हम दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर तीन ट्रैक्टर जो बिना रजिस्ट्रेशन क्रमांक के थे उनको जब्त किया गया और मौके पर जो ट्रैक्टर ड्राइवर थे वो भाग गए और हमने जब्त करके थाना महाराजपुर में सुपुर्दगी की है। उस संबंध में हमने विधिवत प्रकरण तैयार किया है और तैयार करके वैधानिक कार्रवाई हेतु संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो ये बालू निकाली जा रही थी, क्या ये मतलब शासकीय जमीन से बालू निकाली जा रही थी या किसी खदान से निकाल रहे थे? ये जो ट्रैक्टर ड्राइवर हैं और जो अवैध रूप से उत्खनन कर रहे थे, वो उत्खनन चूँकि अवैध रूप से कर रहे थे इसलिए हमने उन ट्रैक्टरों को जब्त करके